बन चुके हैं। ये पद उन्होंने दिया है कि हमारी क्षेत्र की जनता ने दिया है? ये पद उन्होंने दिया है कि हमारी क्षेत्र की जनता ने दिया है? तो पार्टी कहेगी तो इससे पहले नहीं दिया? संघ की बात नहीं, सांसद की। सांसद, एक अहम सवाल और आखिरी सवाल कि अगर जो खिलाड़ी हैं वो मांग कर रहे हैं कि उनका ये देश का मेडल, जाहिर बात है देश के लिए तिरंगा उठाया और मेडल उन्होंने पाया, उस मेडल में मेरा सहयोग नहीं है। सवाल, हमने नेशनल कौन कराता है, ट्रायल कौन कराता है, निष्पक्ष ट्रायल कौन कराता है, टीम कौन गठित करता है, वीजा कौन लगाता है, पासपोर्ट कौन लगाता है, स्पॉन्सर कौन लाता है, मेरा भी रोल है ना। हम नहीं मानते ना माने, लेकिन मेडल ही अगर एक परिभाषा है कि वो मेडल है इसलिए उनके सारे गुनाह माफ हैं, जो कहें सही है। तो हमारे देश में एक ऐसा खिलाड़ी भी है, जबकि मैं दुर्भाग्य समझता हूँ उस खिलाड़ी का, उसके साथ मेरी सहानुभूति है, लेकिन दो मेडल लेने वाला जेल में है। सवाल पूरा हो जाए, बाकी बच्चे दल ये आपके साथ है पार्टी? देखिए, ये भाजपा की लड़ाई नहीं है, ये आरोप मेरे ऊपर लगे हैं और मुझे ही इस आरोप से बाहर निकलना है, और सजा होगी भी तो भाजपा को नहीं होगी, बृजभूषण सिंह को होगी। इस केस को भाजपा पर मत लेकर के जाइए, कुश्ती संघ के अध्यक्ष के पद के नाते आरोप लगा है, सांसद के नाते नहीं लगा है, इसलिए इसमें भाजपा को मत घसीटिए, जो होना होगा वो मुझे होगा, इसमें पार्टी का। अच्छा, पार्टी इस्तीफा देने कहे तो दे देंगे तुरंत? सांसद जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर भी एक उनके अपने ही कलीग ने आरोप लगाया था, तो क्या लगता है आपके अपने खिलाड़ी भी ऐसा ही आरोप लगाएंगे? देखिए, ये जो प्रकरण है ये समय आने पर बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। अच्छा नेताजी, देश के लिए मेडल वाले खिलाड़ी कह रहे हैं लगातार, तो क्या जो कमेटी में पीटी उषा थी, या क्या उनका जो मेडल है वो मिट्टी का है क्या? देखिए, इनको भरोसा नहीं है, क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट इनको लीक होती रही और एडवांस में चली गई। नेताजी, नेताजी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।